दिल्ली पुलिस आम लोगों से जुड़ने और साइबर क्राइम के बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। बॉलीवुड फिल्मों की क्लिप का इस्तेमाल करके मीम्स बनाने से लेकर इंस्टाग्राम रील्स का उपयोग तथा ऑनलाइन संवाद सत्र आयोजित करने तक दिल्ली पुलिस जनता से जुड़ने, साइबर और वित्तीय अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने और अपनी नागरिक केंद्रीय पहल को प्रदर्शित करने के वास्ते सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं दिव्यांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने गत 3 फरवरी को ट्विटर के जरिए राजधानी वासियों के साथ बातचीत की और उन्हें अन्य बातों के अलावा पुलिस द्वारा की गई नई पहल के बारे में जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को साइबर सुरक्षा को लेकर आस्क मी एनीथिंग सत्र का लाइव आयोजन किया था। वैलेंटाइन वीक के प्रति युवाओं के जुनून को भुनाने के प्रयास के तहत दिल्ली पुलिस ने प्रॉमिस डे पर लोगों से अपील की कि वो संकट की स्थिति में आपात नंबर 112 डायल करने का वादा करें। इन सब प्रयासों के पीछे दिल्ली पुलिस का सोशल मीडिया केंद्र है, जिसकी निगरानी विशेष शाखा इकाई करती है। अधिकारियों ने बताया कि इस टीम में क्रिएटिव और टेक्निकल बैकग्राउंड के युवा हैं, जिनमें से किसी की भी उम्र 35 साल से अधिक नहीं है। राकेश अस्थाना ने बताया, दिल्ली पुलिस उन लोगों को सूचित करना और उन्हें सशक्त बनाना जारी रखना चाहती है जिनकी वह सेवा करती है। सोशल मीडिया आज हमारे पास जनसंचार और जनसंपर्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। हम इस अवसर को प्रभावी तरीके से भुनाने को लेकर खुश हैं। यह हमारे नागरिक केंद्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया न केवल भविष्य बल्कि सूचना प्रभाव वर्तमान है। हमारे लिए यह पुलिस को अंतिम बिंदु तक ले जाने और नागरिकों को हर रोज 24 घंटे पहुंच प्रदान करने का एक तरीका है। दिल्ली पुलिस के ट्विटर हैंडल पर 683,000 फॉलोअर्स हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर सिर्फ 4,011 फॉलोअर्स हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई विभिन्न सोशल मीडिया पहल में आस्क मी एनीथिंग और लाइव ट्विटर सत्र और अपनी दिल्ली पुलिस को जानो प्रश्नोत्तरी सत्र शामिल है। ऐसी ही एक और पहल किस्सा खाकी का है। इसके तहत पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने और लोगों को उनके सामने आने वाली दैनिक चुनौतियों के बारे में बताने के लिए सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस के बहादुरों के बारे में कहानियां साझा की जाती है। गौरतलब है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में हर दिन औसतन 92 महिलाओं का रेप होता है, जिनमें से 4 रेप दिल्ली में होते हैं, जो कि भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में रेप ही नहीं, हत्या, चोरी और अपहरण जैसे बड़े अपराधों के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ऑनलाइन मुहिम चला रही है। अगर दिल्ली सरकार जमीनी स्तर पर काम करती तो शायद दिल्ली बढ़ रहे अपराधों के मामले में अव्वल ना आती। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।